कुछ और बच्चे जुड़ चुके हैं तो हम इनसे पूछना चाहते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम उमर कासिम। जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली मरम्मत का रहने वाला हूँ और अभी BSc कर रहा हूँ, 5th सेमेस्टर JDC डोडा। जी बहुत बढ़िया, आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है? यहाँ से कुछ और बच्चे जुड़ चुके हैं। जी आपका नाम जानना चाहता हूँ मैं, आपका नाम? जी मेरा नाम जहूर अहमद है। जी आप कहाँ के रहने वाले? मैं गुंधना से। तो आप अभी किस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं? 3rd सेमेस्टर सर। तो आप मुझे बताइए, जो सेकंड आ रहा है यहाँ पे COVID-19 पेंडेमिक डिजीज़, आपको यू नो अबाउट दैट कि बहुत हार्मफुल डिजीज़ है, तो फिर से हमने सुना है कि ये फिर से वापस आ रही है और इसकी जो सेकंड वेव आ रही है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए सर, पहले भी कितना हमारा नुकसान हुआ, तो इस साल में भी अगर ऐसा होगा तो हम चाहते थे कि जैसे फर्स्ट सेम वालों का सिलेबस हाफ हुआ है, 40% हुआ है, तो वैसे ही होना चाहिए था। ये नहीं कि हम मास परमिशन चाहते हैं, क्योंकि पढ़ के एग्ज़ाम देना और कुछ होता है और मास प्रमोशन वो हमारा ही नुकसान है, लेकिन जब हमने सेकंड सेम में पढ़ा ही नहीं था तो इसलिए हम बोल रहे थे मास प्रमोशन हमें चाहिए। तो अब देखिए, अब 3rd सेम में हमारा सिलेबस हमने पढ़ा भी है थोड़ा जितना, और अगर हमें 40% हमें सिलेबस होगा तो उसकी वजह से हम अपने एग्ज़ाम अच्छे से दे सकते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसके बाद बैठ सकते हैं अगर आपको रिलैक्सेशन मिलेगी सिलेबस में? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते हैं फिर हम बाद में, लेकिन अगर हमें पढ़ाया नहीं जाएगा यहाँ पर, अगर फिर लॉकडाउन हो जाएगा तो फिर हम कब हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कब हम कॉम्पिटिटिव के लिए पढ़ेंगे? लेकिन आप ये मानते हैं कि अगर सिलेबस को कम किया जाए आपको उससे लॉस ऑफ एजुकेशन बहुत ज़्यादा होगा, क्या आप इस बात को एग्री करते हैं? हाँ हाँ हाँ, हम इस बात को एग्री करते हैं कि हमारा सिलेबस जो है ये कॉलेज में जितना पढ़ाया गया है हम इतने को तैयार करेंगे, तो और 40% जो सिलेबस है हम उसको कंप्लीट करके उसका एग्ज़ाम देंगे। जो ऑनलाइन क्लासेस रही, क्या उसमें आपको अच्छा लगा? क्या वो एनवायरनमेंट आपको अच्छा लगा कि नहीं? नहीं सर नहीं, देखिए सर, यहाँ पर ड्यूरिंग द कोविड 19 जो नेट यहाँ पर स्लो चल रहा था, कोई ऐसे बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो कैसे क्लासें मतलब लेंगे फिर सर? देखिए 2G का जो ज़माना था वो ख़त्म हो चुका है, अब तो 4G चल रहा है। क्या आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है 4G में? नहीं, 4G में फिर से प्रॉब्लम आ रही है, नेट नहीं चल रहा है अच्छी तरीके से। चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। कुछ और बच्चे जुड़ चुके हैं तो हम इनसे पूछना चाहते हैं। जी आपका नाम? मेरा नाम उमर कासिम। जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बेसिकली मरम्मत का रहने वाला हूँ और अभी BSc कर रहा हूँ, 5th सेमेस्टर JDC डोडा। जी बहुत बढ़िया, आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है आज कॉलेज आके, कैसा फील कर रहे हैं आप? आप अभी बैडमिंटन भी हाथ में लिया हुआ है, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे अभी? लग तो अच्छा रहा है, बैडमिंटन खेलते खेलते तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो नहीं, आप मुझे बताइए, जो सेकंड वेव आ रही है COVID-19 की, जो सेकंड फेज़ आ रहा है, तो हमने सुना फिर से कॉलेजेस वगैरह स्कूल वगैरह बंद होंगे, तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में, क्या विचार है आपके? इस बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सेकंड वेव आ रही है तो एक जैसे कि WHO के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो बहुत ख़तरनाक होगी ये पहली वेव से, तो इससे मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर लॉकडाउन होगा तो वो तो बेस्ट रहेगा हमारे लिए, ताकि हम अपने आप को सेफ़ रखें, अपने आप को बचा सकें। नहीं, इससे जो लॉस ऑफ एजुकेशन होगा, क्या आप कभी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जब फेस करेंगे तो आप उस टाइम क्वालिफाई कर पाएंगे? वो बात तो है, लॉस तो बहुत ज़्यादा होगा, तो लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर लॉकडाउन होगा तो तब भी हम ऑनलाइन क्लासेस में या खुद पढ़ाई करके उसको कवर अप कर सकते हैं। जी बहुत बढ़िया, थैंक यू।